भाई लिटरली गूगल के जो जितने भी ट्रेंड्स बता रहे हैं कि वन प्लस के बारे में बहुत ज़्यादा सर्चेस हो रही हैं, तो वन प्लस के बारे में वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं ब्रीफ में कि वन प्लस 7 सीरीज लॉन्च होने वाली है इंडिया में, वो भी सबसे पहले दिन बेंगलुरु में इवेंट होने वाला है 14 मई को। तो भूलना मत, लाइव देखना या फिर वहाँ जाके वहाँ लाइव अटेंड करना। तो बात करें वन प्लस 7 सीरीज के बारे में, तो कुछ रूमर्स मुझे पता चली है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि एक पंजाबी सॉन्ग की कुछ शूटिंग वगैरह हो रही थी, तो वहाँ पर वन प्लस 7 प्रो को दिखाया गया था। ऐसे कन्फर्म नहीं था कि वन प्लस 7 प्रो था, पर ज़्यादातर यूट्यूबर और टेक ट्यूबर्स का मानना है और बहुत सारे वेबसाइट्स का मानना है कि वो वन प्लस 7 प्रो ही था। और तो और जब मैं गूगल को स्क्रॉल कर रहा था, मतलब कि जो गूगल का जो न्यूज़ आता है, तो उसमें तो भाई पूछो मत, अगर लगता है मैंने 20 न्यूज़ देखे होंगे तो उसमें से 8-10 तो वन प्लस 7, वन प्लस 7 प्रो, वन प्लस 7 रूमर लीक एटसेट्रा एटसेट्रा टाइप के ही न्यूज़ मैंने आज देखे। तो सोचा क्यों नहीं इसके बारे में वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। आपको मालूम होगा कि वन प्लस जो है वन प्लस अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे फ़ोन लाता है, और आप बोल सकते हो कि बेस्ट सेलिंग फोन्स भी होते हैं ये फ्लैगशिप में। तो अगर बात करें सबसे पहले इसके प्रोसेसर यानी SoC सिस्टम ऑन चिप के बारे में, तो ये है 855 वाला स्नैपड्रैगन। अब 855 स्नैपड्रैगन पे अगर मैं चाहूँ तो एक अलग से वीडियो ही बना दूँ, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। अब कुछ ब्रीफ में बताऊँ तो इसका जो ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। आप सोचो 8 यानी ऑक्टा कोर को तीन में कैसे डिवाइड किया गया, तो मैं बताता हूँ। तो जो बड़ा वाला कोर है, जो कि बड़ा वाला जो सेक्शन है 2.8 GHz का, वो दो है। 2.4 GHz के जो मीडियम वाले हैं वो है, वो भी दो हैं। और जो लास्टली जो फोर पेयर बचे, मतलब कि फोर बचे यानी कि टू पेयर बचे, वो है 1.8 GHz पे। मतलब क्या, मान लो कि आप छोटे बहुत कुछ ऐप चला रहे हो, मतलब कि मान लो आप चैटिंग कर रहे हो किसी से, तो आपका 1.8 GHz वाला कोर यूज़ होगा ताकि बैटरी कम यूज़ हो। और अगर आप मान लो पबजी खेल रहे हो, तो भाई वहाँ पे आपका बड़ा वाला प्रोसेसर भी यूज होगा, मीडियम वाला प्रोसेसर भी यूज होगा और छोटा वाला प्रोसेसर भी यूज होगा, जिससे कि आपकी बैटरी थोड़ी वहाँ पर ड्रेन होगी, पर हाँ आपको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत आउट ऑफ द क्लास मिलेगी। तो ये 855 का एक ब्रीफ डिस्कशन, ऐसे अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो मैं अलग से इसके लिए बना दूंगा। अब अगर बात कर ले सबसे पहले कैमरा के बारे में, तो आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, और पहली बार ट्रिपल कैमरा सेटअप भी मिलने वाला है। जो 7 है उसमें डुअल कैमरा सेटअप है, और जो 7 प्रो है उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है। अब जो डुअल कैमरा सेटअप है उसमें मिल रहा है 48+5 MP का कैमरा, जबकि जो ट्रिपल है उसमें मिल रहा है 48+16 8 MP कैमरा। ठीक, तो ये हो गया कुछ कैमरा के बारे में। अब अगर सेल्फीज़ के बारे में बात करें, तो दोनों ही फ़ोन में आपको 16 MP की सेल्फीज़ मिलने वाली है। पर रुक जाओ भाई, अभी भी वन प्लस कुछ ना कुछ आपके लिए कमाल लेके आया है। तो यहाँ पे आपको वन प्लस 7 में तो बिल्कुल नॉर्मल सा सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, कोई भी पॉप अप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पर जब जो कि 7 प्रो है वहाँ पे आपको एक पॉप आउट वाला कैमरा मिलने वाला है, जो कि पॉप अप होकर निकल जाएगा, वो भी 16 MP वाला कैमरा है। अब एक्स स्टॉप, अपर्चर, माइक्रो साइज, ISO कंट्रोल, वाइट बैलेंस, ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम है कि फ़ोन में क्या होने वाला है। जब फ़ोन आएगा तो मैं ये सभी चीज़ के बारे में भी कवर करके वीडियो बना दूंगा। ऐसे ये सब रूमर्स है, तो आप इस पे बिल्कुल 100% लाइक मत करना, आप एक बार से क्रॉस चेक जरूर करना। ऐसे मैंने बहुत ही क्रॉस चेक करके वीडियो बनाया है, तो ऐसे 99.99% उम्मीद है कि आपको ज़्यादातर वीडियो या ज़्यादातर चैनल्स पर यही चीज़ देखने को मिलने वाली है। अब अगर बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले बहुत खास होने वाली है वन प्लस 7 सीरीज़ की, क्योंकि डिस्प्ले पे बहुत पैसे लगाए हैं वन प्लस ने, क्योंकि इस बार जो दोनों में जो डिस्प्ले है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और तो और जो पहली बार यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच भी लाया गया है वन प्लस 7 में, और 7 प्रो में तो भाई कोई नॉच ही नहीं है, बिल्कुल बेजल लेस एक्सपीरियंस है। और जो स्क्रीन साइज है वो है 6.3 इंचेस की 7 में, और 6.7 इंचेस की आपके 7 प्रो में। एमोलेड स्क्रीन होने वाली है, सुपर एमोलेड, तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी दिखने वाली है। और तो और एक और सरप्राइज है फिर से 7 प्रो की तरफ से, कि इसमें 90 Hz की रिफ्रेशिंग रेट आपको मिलने वाली है। अब रिफ्रेशिंग रेट सुनने में थोड़ा आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो फ़ोन है उसके स्क्रीन पे जो भी आपका LED पैनल एमोलेड पैनल जो भी है, जो भी आपका मॉनिटर ही क्यों ना हो, उसमें होता क्या है कि छोटे छोटे पिक्सल्स लगे होते हैं, और ये छोटे छोटे पिक्सल्स कलर चेंज करते हैं और एक पैटर्न बनाते हैं, तभी आपको कुछ ना कुछ दिखता है उस पर, मतलब कुछ भी स्क्रीन में दिखता है। तो ये कितने जल्दी जल्दी रिफ्रेश, मतलब कितने जल्दी जल्दी कलर चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी तक सह सकते हैं, वो होता है उसका रिफ्रेश रेट, जो कि इसमें 90 Hz, जो कि बहुत ज़्यादा है। मेरा जो पीछे जो मेरा मॉनिटर है वो भी 60 Hz भी नहीं है, शायद मेरे हिसाब से 50 या 45 Hz का है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग रेट हाई होने वाला है यहाँ पे। अब अगर बैटरी के बारे में बात करें, तो भाई बैटरी भी अच्छी खासी मिल जा रही है। 3700 mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी 7 में, और 4100 यानी कि 4100 mAh की बैटरी मिल जाएगी 7 प्रो में। अब चार्जिंग में भी आपको बहुत कमाल चीज़ देखने को मिल रहा है, जो कि वन प्लस का डैश चार्जर है, बहुत फास्ट चार्जिंग करता है। तो आपको 7 में डैश चार्जर मिल जा रहा है, पर 7 प्रो में नहीं मिल रहा है।
पर 7 प्रो में भी कुछ खास है। यहाँ पे आपको वॉर्प चार्जर का यूज़ किया जाएगा जो कि 30 वॉट तक की चार्जिंग भी सपोर्ट कर सकता है और इवन 40 वॉट पे भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो क्या पता 40 वॉट वाला ही आपको वॉर्प चार्जर दे दिया जाए तो बहुत जल्दी फास्ट चार्ज होने वाला है। ऐसे आप सोच रहे होंगे कि इसकी प्राइस कितनी होगी, प्राइस तो बहुत ज़्यादा चल जाएगी। तो ज़्यादा प्राइस नहीं हाई हुई है, जितना स्पेसिफिकेशन इसने दिया है जो आपका 7 है वो 60 से भी कम दाम में आने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना, 60 या 60 के आसपास का दाम या उससे कम ही दाम पे आने वाला है। और जो 7 प्रो है ये आपको 46 से 50 हज़ार यानी 46 to 50 thousand के बीच में आने वाला है। ये बिल्कुल कन्फर्म्ड है मेरी तरफ से। अगर कुछ अल्टर होता है तो मैं आपको फिर से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो ये प्राइस के बारे में हो गया। अब आप बोल रहे होंगे कि वन प्लस भाई अब बहुत ज़्यादा बिकता है तो एप्पल के सेल्स कहाँ गए? एप्पल के सेल्स बिल्कुल डिक्लाइन हो गए हैं पिछले साल। तो एप्पल ने भी एक नया फ़ोन लाने के लिए सोचा है जो कि वन प्लस को टक्कर देगा और मिड रेंज तो नहीं पर हाँ फ्लैगशिप के लेवल का ही फ़ोन होगा जो कि 50 हज़ार के आसपास आने वाला है। और वन प्लस के कारण ही आईफोन तक भी अपने प्राइसेस घटा रही है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे शेयर कर देना और तो और नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर से जरूर लाऊंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वाली वीडियो में।